अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। ये बहुत ही लजीज और झटपट बनने वाली डिश है। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। चिकन जलफ्रेज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को यहाँ पे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिए। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने इस शेप में काट लिए और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। आपने हाई फ्लेम पे इन वेजिटेबल्स को लाइट सा सौते करने हैं। बस वेजिटेबल्स को मैंने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हाई फ्लेम पे मैंने एक मिनट के लिए बस इनको लाइट सा सौते कर लिए। अब मैं इनको निकालूंगी एक और पैन में। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने बस थोड़ी देर इसको ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन। 1 kg बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। चिकन को मैं इसमें फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसको मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए और ये देखें चिकन का जो पानी है अपना वो भी ड्राई हो जाए। चिकन हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया, ये देखें। आप देखिए चिकन के पीसेस का कलर भी गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया कचुआ हुआ, मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच। 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, जड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर डाली है मैंने इसमें, सॉल्ट इसमें थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको मैं अब दम पे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप टमाटर का छिलका उतार के वो भी इसमें डाल सकते हैं। टोमेटो पेस्ट से कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं ये इसमें यूज़ कर रही हूँ। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही 2 टेबलस्पून। दही डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ
वेजिटेबल्स जिनको मैंने लाइट सा सौते कर लिया था। सब्ज़ मिर्च मैं डाल रही हूँ, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। एक टेबल स्पून में इसमें डाल दी सोया सॉस, चिली सॉस डाल दूं मैं एक टेबल स्पून। थोड़ी सी देर के लिए बस मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। चिकन जल फ्रेजी बिल्कुल तैयार है। अब एंड पे मैं इसमें धनिया डालूंगी थोड़ा सा, इसको मैंने पानी चॉप कर लिया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। चिकन जल फ्रेजी बिल्कुल तैयार है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक्स देते रहिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ जाएँ उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।